नंबर दो देखिए, ढाल दिया हुआ है आपके पास 1/2 और बिंदु दिया गया है -4.3, इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो ये आपका ढाल बिंदु रूप है ना, ढाल दिया हो और एक बिंदु दी हुई हो तो उससे जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग जानते हैं ना जी, बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल m हो, तो इसके लिए हम जानते हैं y-y1 बराबर में m x-x1, यही ना फॉर्मूला था x-x1, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो हमारे पास जब दिया है बिंदु -4.3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल 1/2 है, क्या हो जाएगा y-y1 का मान यहाँ 3 है, ढाल आपका 1/2, x-x1 का मान यहाँ -4 है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए लाके इसमें गुना करते हैं, 2y-6 बराबर में x+4, इस सबको एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा x-2y +4 +6, एक्स और बराबर में 0, x-2y और +10 = 0, उस रेखा का समीकरण आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन